नमस्कार प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबरों की ओर। रीवा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के एसएफ चौराहे में फिर चला चाकू, चाट ठेले वाले को युवक ने मारा चाकू। बाइक सहित भाग रहे बदमाशों को बिछिया पुलिस घेराबंदी कर वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा, चाकू बरामद। शहर में नहीं रुक रही चाकूबाजी की घटना, बेखौफ बदमाश लगातार दे रहे हैं वारदात को अंजाम। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एसएफ चौराहे के पास रात करीब 8 बजे चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें तीन युवकों ने एक युवक के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी भागने की फिराक में थे, तभी देखा गया कि बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर अपने दल बल के साथ एसएफ चौराहे में वाहन चेकिंग लगाए हुए थे। जैसे ही सूचना मिली कि उनके आसपास शहर में चाकू चला है, तत्काल जगदीश सिंह ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और रीवा एसपी नवनीत भसीन, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के मार्गदर्शन पर तत्काल घेराबंदी कर तीन आरोपियों को बिछिया पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं आरोपियों के पास से चाकू बरामद कर लिया गया है। वहीं चाकूबाजी की कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। रीवा शहर में लगातार एक महीने से चाकूबाजी की घटना सामने आ रही है, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल बिछिया पुलिस ने तत्काल ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र पर हुई है, इसलिए सिटी कोतवाली थाना आरोपियों को भेज दिया गया है। वहीं जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों को पता चला कि आरोपियों को बिछिया पुलिस ने तत्काल पकड़ लिया, तुरंत ही रीवा एसपी नवनीत भसीन बिछिया थाना पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं घायल का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। सब बताओ कि वहाँ पकड़ लिया। सात आठ जन आए हैं, सीधे हाथ पकड़ रहे हैं। कोतवाली जाना पहले रिपोर्ट करने। पहले बताइए। हाँ हाँ। कोतवाली जाएं। कोतवाली जाओ जल्दी। ये जाएं हम लोग। चलो चलो। नाम है आपका? मेरा नाम सुचेंद्र कुमार गुप्ता है। क्या घटना हुई है सर? घटना ये आपस में बात हो गई है, तो गाली गलौज हुई, तो हल्का फुल्का आदमी दाई माताई हुई, इन्होंने बुलाया गुंडा, तो उन्होंने डायरेक्ट हमला कर दिया। कौन लोग हैं ये? अब ये नहीं पता सर कौन है वो। उनको पकड़ लिए हैं? उनको पकड़ गए हैं। दो तीन लोग हैं? हाँ, तीन चार छः सात लोग। कहाँ पर घटना घटी है सर? ये ठेले के पास अपने। कहाँ पर लगाते हैं ठेला? ये दादा पता है। थाना कौन सा लगता है? सिटी कोतवाली। सिटी कोतवाली लगती है इस साइड में ना। कितने लोग रहे हैं? छः सात लोग। सात लोग। नाम जानते हैं? उसका जानते हैं, चाचा इनके भाई जानते हैं। दो जानते जानते हैं। दो लोगों को जानते हैं? हाँ। क्या नाम है? एक का नाम अंकित है, एक का नाम कुमार है। एक का नाम अंकित है, एक का नाम अंकित है।